Hello guys, welcome back again. Today's topic is alkanes. So today we will discuss about alkanes in this video. So let's get started. तो first of all alkane बहुत बड़ा topic है और काफी videos भी आएंगी इसकी. तो आज का जो हमारा topic है ये इसका introduction topic है, यानी कि आज हम इसमें सिर्फ यही समझेंगे कि alkanes क्या होता है और उसकी definition क्या है और उसका जो उसके अंदर जो कार्बन एटम होते हैं उनका नेचर कैसा होता है. तो सिर्फ हम यही पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में. तो एल्केन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे आपके बेसिक, वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि एल्केन्स क्या होते हैं, एग्जांपल किस तरीके से एग्जांपल देख के हम बता सकते हैं एल्केन से एल्कीन है या फिर एल्काइन है. तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एल्केन्स क्या होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं कि एल्केन्स क्या होते हैं. देखिए, दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which have single bond between two carbon follow general formula CnH2n plus 2 are called alkanes. means कि alkanes क्या होते हैं, तो यहाँ पर example दिख रहा है आपको, CH4 है ये, यहाँ मैंने CH4 लिख रखा है और यहाँ पर इसका ये structure बना दिया है. CH4 मतलब कि carbon से four hydrogen atoms attached है, ठीक है. तो यहाँ मैंने CH4 लिख दिया लेकिन यहाँ पर मैंने इसको ओपन करके यानी कि स्ट्रक्चर बना दिया है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड. तो हमारे एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है. एल्केन्स मीन्स कि जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो आप बोल सकते हैं कि ये एल्केन है. अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो एल्काइन होगा. लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो में एल्कीन और एल्काइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एल्केन की. एल्केन्स क्या होता है, एल्काइन्स क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एल्केन के ऊपर बात करेंगे. तो एल्केन क्या होते हैं ये समझिए, एल्केन्स होते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है. जब कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम बोल सकते हैं इन दिस कंडीशन कि वो क्या है हमारा, वो एल्केन है. तो इतना तो क्लियर हुआ कि एल्केन्स क्या होते हैं, कि जब भी सिंगल बॉन्ड देखेगा हम बोल देंगे कि यहाँ पर एल्केन है, ठीक है. तो डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन है दोज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड, क्या सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन, यानी कि दो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, वो एल्केन होगा. और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ये आपको याद करना पड़ेगा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे. और इनको ही क्या बोलते हैं, इनको ही एल्केन्स बोलते हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है. एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ये CH4 दे रखा है और एक ये C2H6 दे रखा है. तो यहाँ पर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ. तो क्या है ये, एल्केन है. एल्केन में क्या होता है, फिर से समझिए, एल्केन में क्या मिलेगा आपको, सिंगल बॉन्ड मिलेगा. अगर मैं बेसिक आपको जनरली बताऊं तो आप, अगर आपसे कोई भी पूछने लग जाता है, बेसिक क्वेश्चन है कि एल्केन्स क्या होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में. क्योंकि आपसे जनरली जब भी कोई पूछेगा बेसिक, तो ये पूछेगा आपसे कि बताइए एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है. तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे एल्केन बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं. आपको इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके प्रोनाउंसिएशन थोड़े से अलग है, लेकिन जब भी कोई बोलता है तो सेम से लगते हैं. लेकिन एल्केन और एल्कीन दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है, क्या है, जो एल्केन है वो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, यानी कि एल्केन में क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा, एल्कीन में यहाँ पर के बाद ई आएगा. तो एल्कीन वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन यानी कि वाई आ जाएगा यहाँ पर, एल्काइन वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. इज इट क्लियर, चलिए अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि एल्केन्स क्या होते हैं. अगर आपसे कोई बेसिकली पूछने भी लग जाता है कि डिफरेंस बताइए तीनों के अंदर, तो आप ये भी बता सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बहुत ईजी है. एल्केन्स क्या होता है, इनके नेचर की बात कर लेते हैं कि इनमें जो कार्बन एटम है, यानी कि अभी मैंने बोला कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्केन. अब जो कार्बन और कार्बन की बात कर रहे हैं हम, तो दो कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, तो इन कार्बन एटम का नेचर भी जान लेते हैं कि इनका नेचर कैसा होता है. तो देखिए,
जो कार्बन एटम होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, तो ये 1 डिग्री होते हैं, 2 डिग्री होते हैं, 3 डिग्री होते हैं और 4 डिग्री होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स का नेचर होता है, 4 नेचर होते हैं कार्बन एटम के जो इससे अटैच है। तो 1 डिग्री को बोला जाता है प्राइमरी कार्बन एटम, 2 डिग्री को बोला जाता है सेकेंडरी कार्बन एटम, 3 डिग्री को बोला जाता है टर्शरी कार्बन एटम और 4 डिग्री को बोला जाता है क्वार्टरनरी कार्बन एटम। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी होते क्या है। फर्स्टली देखिए प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन एटम क्या होते हैं। तो देखिए 1 डिग्री में क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। ये चीज तो आप यहाँ पर याद ही रखिए कि बॉन्ड तो यहाँ पर सिंगल ही होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी अब कि सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी कार्बन एटम यानी कि 1 डिग्री कार्बन एटम क्या होते हैं, तो दोज कार्बन एटम विच आर अटैच्ड, यहाँ पर ये अटैच्ड है AACHED, ठीक है, ये अटैच्ड है विद ओनली वन कार्बन एटम, यानी कि वो कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच होता है उसको बोला जाता है 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ये एक कार्बन है CH3 वाला, ये एक कार्बन है इधर और ये एक और कार्बन से अटैच है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर आसपास कोई और कार्बन दिख रहा है नहीं, कितने कार्बन दिख रहा है, ये एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये वाला सिर्फ इस एक कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री कार्बन एटम, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन सिर्फ दूसरे अकेले एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री कार्बन एटम। सेकेंड देखिए सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम में क्या होगा कि कार्बन एटम जो कार्बन है हमारा वो 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होगा, यानी कि ये समझ लीजिए कि प्राइमरी कार्बन एटम में 2 कार्बन देखने को मिल जाएंगे और सेकेंडरी में 3 कार्बन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन डेफिनेशन की बात करें तो क्या आएगी, दोज कार्बन एटम विच आर अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन एटम, यानी कि वो कार्बन एटम जो 2 एक्स्ट्रा कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि अटैच्ड होता है। जैसे ये कार्बन एटम की बात करूं मैं तो ये वाला 21 कार्बन से अटैच है, 21 यानी कि 2 कार्बन एटम से अटैच है। इसकी बात करूं तो ये वाला 21 से अटैच है, फिर एक इससे अटैच है। तो यहाँ पर कुल मिला के है क्या कि एक कार्बन एटम 2 अलग यानी कि 2 एक्स्ट्रा कार्बन एटम से अटैच होता है। तो इन दिस सिचुएशन हम उसे बोलते सेकेंडरी कार्बन एटम या फिर 2 डिग्री। ठीक है, नंबर थर्ड टर्सरी कार्बन एटम यानी कि 3 डिग्री कार्बन एटम। तो टर्सरी कार्बन एटम क्या होता है कि दोज कार्बन एटम विच आर अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम्स, मतलब कि एक कार्बन एटम होगा हमारा और वो 3 अदर कार्बन एटम के साथ क्या होगा अटैच होगा। इन दिस सिचुएशन हम उसको बोलेंगे टर्सरी कार्बन एटम यानी कि 3 डिग्री कार्बन एटम। तो देखिए हियर यू कैन सी यहाँ पर ये एक कार्बन एटम है और ये 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, यानी 1 2 3 एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो उसको हम बोलेंगे टर्सरी कार्बन एटम यानी कि 3 डिग्री। इसकी डेफिनेशन क्या है, दोज कार्बन एटम्स विच आर अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम्स, 3 अदर होंगे। तो बोल सकते हैं कि ये जो टर्सरी कार्बन एटम होगा इसके स्ट्रक्चर में हमें 4 कार्बन देखने को मिल जाएंगे, 1 2 3 4, हियर यू कैन सी 4 कार्बन एटम है, तो इस स्ट्रक्चर में हमें 4 कार्बन एटम्स देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि मतलब कि एकदम से होपलेस हो जाते हैं जब भी कोई स्ट्रक्चर पूछने लग जाता है, तो फटाफट से देख लेते हैं कि 1 2 3 4, 4 कार्बन देख लिए तो बोल देते हैं 4 डिग्री है ये, बट 4 डिग्री नहीं होता वो। वो क्या होता है, वहां पर हमें देखना होता है कि एक कार्बन हमारा, एक कार्बन तो हमको लेना ही अलग से, अब उस कार्बन से देख रहे हैं कि अब उस कार्बन से कितने कार्बन एटम अटैच है, उसके हिसाब से हमको उसको नाम दे रहा है 2 डिग्री 1 डिग्री या फिर 3 डिग्री 4 डिग्री जो भी है। ठीक है, चलिए 4 देखते हैं क्वार्टरनरी कार्बन एटम। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें एक कार्बन एटम हमारा 4 कार्बन एटम से जाकर के अटैच हो जाता है। ठीक, तो देखिए दोज कार्बन एटम विच आर अटैच्ड विद 4 कार्बन एटम, इसको बोला जाता है 4 डिग्री। एक कार्बन एटम है यहाँ पर और ये 4 कार्बन एटम के साथ क्या है अटैच्ड है, यहाँ पर एक कार्बन ये के, लेकिन देखने को कितने कार्बन मिल रहे हैं, 4 5 कार्बन है कि नहीं, 2 4 एंड 5 5 कार्बन देखने को मिल रहे हैं।
तो क्या है ये हमारा 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, तो आई होप कि आपको एल्केन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए एल्केन्स क्या होता है, जितने सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नेचर की बात करें तो ये 1 डिग्री भी हो सकते हैं, 2 डिग्री भी हो सकते हैं, 3 डिग्री भी हो सकते हैं और 4 डिग्री भी हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकता है, मैंने अभी आपको डिटेल में बता दिया है कि कार्बन एटम से कितने कार्बन अटैच होंगे तो कौन सा डिग्री होगा वो है। ठीक है, अभी आपको एक और चीज मैं फिर से बताती हूँ कि अगर आपसे कोई भी डिफरेंस पूछने लग जाता है एल्केन एल्कीन और एल्काइन में, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड और एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम बोल देंगे एल्केन, डबल बॉन्ड होगा तो बोल देंगे एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बोल देंगे एल्काइन। इसको आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे हम, IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे इसका, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।